आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी SBI स्कीम्स के बारे में जिनमें आप 50,000 लगाएंगे तो आप 7 करोड़ तक पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन स्कीम्स में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो स्कीम्स और SBI ऐसी कौन सी स्कीम्स लेके आया है जिसमें इतना अच्छा रिटर्न मिलता है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मनी। SBI का ये इन्वेस्टिंग ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसे लगाते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है, गवर्नमेंट स्कीम से 7 गुना और किसी FD से 5 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो उससे 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। SBI की ये स्कीम आपको सालाना 44% तक का रिटर्न दे सकती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि हम SBI की ही बात क्यों कर रहे हैं। हम SBI की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड है SBI। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो उस सेक्टर में भी सबसे आगे है SBI। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी SBI का बहुत बड़ा नाम है और सब भारतीयों का भरोसेमंद ब्रांड है SBI। तो आज हम बात करने वाले हैं SBI के म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस के बारे में। चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सोचिए, आप अपने पैसे फंड्स में या कहीं स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं, पर क्या आपके पास उतना ज्ञान है कि आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक अच्छा आगे बढ़ने वाला है या कौन सा नहीं, कौन सा स्टॉक ऊपर बढ़ेगा कौन सा नहीं? नहीं ना। इसलिए इजी ऑप्शन है कि आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल दो। वहाँ एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करेंगे और आपके पैसे को पूरी सूझबूझ से स्टॉक्स में लगाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं SBI कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में, पर इस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं। ये भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो आउट ऑफ फेवर या कहीं अंडरवैल्यूड होते हैं। फिर एक कोच मिलता है जो उसे जीरो से हीरो बना देता है। ये फंड उस कोच की ही तरह काम करता है। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें पोटेंशियल तो है और आगे जाके वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ये फंड फुल ऑफ रिस्क होता है और इस फंड से आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लॉस का रिस्क भी इसमें कम होता है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी लो रनिंग स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं। अब इनमें लॉस होगा तो कितना ही होगा। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ की अगर बात कर लें तो इस फंड में हमें ऑन एन एवरेज पिछले एक साल में 48.23% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24.79% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 22.87% का रिटर्न दिया है। इसका NAV है 355.69 रुपीज का और इसका फंड साइज है 29586.65 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.58% का। क्रिसिल रैंकिंग इसको 5 दी गई है। ये फंड 80.1% इन्वेस्टिंग अपने फंड का इक्विटी में करता है। नेक्स्ट SBI का फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ये फंड क्यों अच्छा हो सकता है? क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज खूब तरक्की पर हैं और उसी के साथ उनकी स्टॉक्स भी, और ये फंड ऐसी ही कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का NAV है 48.16 रुपीस का। इसका फंड साइज है 2793.93 करोड़ का। इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.03% का और इसकी क्रिसिल रेटिंग 4 है। इस फंड का एक साल का एनुअलाइज रिटर्न 47.18% है। इसका 3 ईयर रिटर्न 22.53% है और इसका 5 साल का रिटर्न 21.86% है। नेक्स्ट फंड है SBI PSU फंड। क्या होता है PSU फंड, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये फंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनीज में पैसे लगाते हैं। सरकारी कंपनीज में रिस्क बहुत कम होता है और आजकल तो गवर्नमेंट कंपनीज में अलग ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका NAV है 32.86 रुपीस का और एक्सपेंस रेशियो है 2.03% का। इसका फंड साइज है 2352.22 करोड़ का। हाँ, पर साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि क्रिसिल रेटिंग इसकी सिर्फ 1 है। इस फंड का ऑन एन एवरेज एक साल का रिटर्न देखें तो वो है 45.52%। इसका 3 ईयर रिटर्न 21.18% है और इसका 5 ईयर रिटर्न 20.62% है। अब बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। पर ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ये फंड्स वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है।
ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसको क्रिसिल रेटिंग 2 मिली है और ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। फिलहाल इस फंड का एनएवी है 111.98 रुपीस का। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक ये नंबर चेंज हो चुका हो। एक साल में इस फंड ने 41.95% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20.21% का और 5 साल में 19.10% का रिटर्न दिया है। हमारा नेक्स्ट फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इस फंड में रिस्क बहुत हाई है। इसका एनएवी है 216.82 रुपीस का। इसकी क्रिसिल रेटिंग 3 है। फंड साइज इसका 7910.24 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.96% है। इस फंड ने पिछले एक साल में 54.40% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24.89% का और पिछले 5 साल में 24.06% का रिटर्न दिया है। एक और फंड के बारे में बताते हैं आपको और वो है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसका एनएवी 387.50 रुपीस का है। इसका 1 ईयर रिटर्न देखे तो वो है 49.63%, पिछले 3 साल में इसका रिटर्न है 16.24% और पिछले 5 साल में 26.07% का रिटर्न है। इसका एक्सपेंस रेशो काफी बढ़िया है और वो है 0.95% ओनली। इसकी क्रिसिल रेटिंग 5 है और इसका फंड साइज है 2667.21 करोड़ का। As the name suggests, ये फंड ज्यादातर हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, सिप्ला लिमिटेड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। इस फंड को भी क्रिसिल ने 5-स्टार रेटिंग दी है। ये फंड हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसका लास्ट 1 ईयर रिटर्न देखें तो वो है 14.67% का, इसका लास्ट 3 ईयर रिटर्न देखें तो वो है 11.07% का और लास्ट 5 ईयर रिटर्न है 11.35% का। आपको इसके रिटर्न्स देखकर समझ आ ही गया होगा कि ये कंजर्वेटिव फंड है। इसका एनएवी 72 रुपीज है। इसका फंड साइज 9789.02 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। चलिए आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम 50,000 रुपए अपने लगाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लगा के भूल जाते हैं। ये 50,000 हम 40 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड हो गया 40 साल, और इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 20% का, तो आप देखेंगे कि 40 साल बाद हमारा टोटल रिटर्न हो जाएगा 7348857.8 करोड़ का। आप इसमें अपनी मर्जी से कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। हम ये बता दें कि इसमें इंटरेस्ट रेट समय के साथ चेंज होता रहता है और इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हमने फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंसेस के हिसाब से एवरेज इंटरेस्ट लिया है। ये भी बता दें कि हम किसी भी तरह से किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें किसी ने पैसे दिए हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी पूरी सूझबूझ और एक्सपर्ट्स की सलाह लेके ही इसमें इन्वेस्ट करें। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आप इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या लगाएंगे, या आपका क्या ख्याल है इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।